नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। और इस नाश्ते को आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल से। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है और इसे हम बहुत ही कम तेल का यूज़ करके बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है, तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। और रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप धुली हुई मूँग की दाल ली है। मूंग की दाल को अच्छे से साफ कर लिया है। साफ करने के बाद साफ पानी से धोके मैंने इसे 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा हुआ था। अब हम मूंग की दाल का सारा पानी निकाल देते हैं और किसी मिक्सी जार में इसे ट्रांसफर कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मूंग की दाल बहुत जल्दी से भीग जाए तो इसके लिए आप यहाँ पर गर्म पानी का यूज करें। तो सभी दाल को मैंने जार में डाल दिया है। तो अब मैं डाल देती हूँ 2 हरी मिर्च जिसे मैंने इस तरह से काटा हुआ है, और इसी के साथ में इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी डाल देती हूँ ताकि दाल के साथ ये बिल्कुल महीन पीस जाए। तो ये देखिए, दाल मैंने यहाँ पर बिल्कुल महीन पीस ली है, लेकिन मैंने इसमें पानी का यूज़ नहीं किया है। अगर आपको आवश्यकता हो तो 1 से 2 छोटे चम्मच पानी डाल सकते हैं। दाल को मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। तो अब मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, और आधी ही छोटे चम्मच में यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। और इसी के साथ हम आधी चम्मच यहाँ पर टाटरी डालेंगे, जिसे नींबू का सत या साइट्रिक एसिड भी कहा जाता है। इसकी जगह आप यहाँ पर नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच पीसी हुई चीनी। अगर आप थोड़ा सा खट्टा मीठा फ्लेवर पसंद करते हैं तो ही चीनी का यूज़ करें। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, सभी चीज़ें यहाँ पर मिक्स हो चुकी हैं। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 से 2 छोटी चम्मच तेल। तेल को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये जो बैटर है वैसे तो बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा गाढ़ा है तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, केवल 1 से 2 छोटे चम्मच। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि पीसते समय आप पानी का कम से कम यूज़ करें। अगर पानी ज़्यादा डाल देंगे तो ये जो बैटर है बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो ये देखिए, बैटर यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1/2 चम्मच मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। और सोडा डाल के हम इसे अच्छे से फेंट लेते हैं। तो जैसे ही हमने इसे फेंटा है, ये थोड़ा सा फूल चुका है। ये बैटर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो गैस चालू करके, गैस पर मैंने तवा रखा है, इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा तेल। तेल को मैंने चारों तरफ फैला दिया है। और अब हम इसमें ये बैटर डालेंगे, करीब 2 से 3 बड़े चम्मच। और इस बैटर को हम अच्छे से फैला देते हैं चारों तरफ। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, हम इसे थोड़ा मोटा ही रखेंगे। और इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ बारीक कटी हुई प्याज, और इसी के साथ हम यहाँ पर टमाटर, शिमला मिर्च और हरे धनिया का यूज़ करूँगी मैं। आप चाहें तो अपने मनपसंद कोई सी भी सब्जियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ऊपर डालने के बजाय आप बैटर में भी सब्जियां डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चे वैसे तो ये सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप इस तरह से बनाएंगे तो बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। तो अब मैं डाल देती हूँ बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और धीमी धीमी आंच पे हम इसे अच्छे से सिकने देंगे। तो इसे थोड़ा सा हम प्रेस कर देते हैं ताकि इसमें जो सब्जियां हैं अंदर थोड़ी सी चिपक जाएं और बाहर नहीं निकले जब हम इसे पलटे तब। और अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। कवर करके हम लो फ्लेम पे इसे कुछ देर के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। तो कुछ देर बाद हम चेक कर लेते हैं कि ये पका है या नहीं। तो ये पीछे से जो है थोड़ा सा पक चुका है, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ। साइड में मैंने थोड़ा तेल लगा दिया है और ऊपर भी थोड़ा सा तेल लगा दिया है। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। तो आप बड़ी सावधानी से उसे उठा के और इसको पलट दें, बड़ी आसानी से पलट सकते हैं हम इसे। और दूसरी तरफ से भी हम इसे इसी तरह से सिकने देंगे। तो इसे फिर से कवर कर देते हैं, और कवर करके हम इसे इस तरफ से भी अच्छे से पका लेंगे। तो ये जो नाश्ता है हमारा बनकर यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ से भी ये बहुत अच्छा सा पक चुका है। धीमी धीमी आँच पर ही हमें इसे पकाना है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, और अब मैं इसे थोड़ा सा कट कर लेती हूँ ताकि बच्चों को खाने में भी आसानी हो। तो ये देखिए, मैंने इसके 4 पीस कर लिए हैं। तो अब हम इसे तवे पे से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप अपने बच्चों के टिफिन में इसे दे सकते हैं, या फिर आप इसे सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं। रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिए, और रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए।